प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रमुख और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने 2024 के लोकसभा में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। दरअसल शिवपाल यादव ने 2024 में पार्टी के सत्ता में होने की बात कही है। शिवपाल के बयान से सियासी हलकों में सरगर्मी तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने संगम नगरी प्रयागराज में ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2024 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अपने संगठन के बूते सत्ता में रहेगी। इस मौके पर शिवपाल यादव ने 2024 में बीजेपी से गठबंधन के भी संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव भी पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। इस मौके पर शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव पर भी निशाना साधने से नहीं चुके। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव पार्टी की कमियां देख लेते और टिकटों का बंटवारा सही कर लेते तो इस समय सरकार में होते। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव के मायावती और बीजेपी के मिले होने के बयान पर कहा कि मीडिया को सब पता है। इस मौके पर शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी सरकार में नौकरशाही से निरंकुश होने और भ्रष्टाचार का भी गंभीर आरोप लगाया है।